हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 4-5 दिन में मैंने जो भी गार्डन में काम किया है वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मैं बताऊँगी अपनी एक साल की जर्नी। मेरी एक साल कंप्लीट हो चुका है अपने चैनल को बनाए हुए। लास्ट जनवरी को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, 29 जनवरी को। उस समय की वीडियोज़ में और अब की वीडियोज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये चीज़ मैंने गार्डनिंग से सीखी है कि कर्म करते जाओ लेकिन पेशेंस ज़रूर रखो और अपना कर्म करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो जिस तरह से मेरा गार्डन ग्रो हो रहा है, पौधे ग्रो हो रहे हैं, उसी तरह से मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। एक साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरा कर्म चलता रहेगा, वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी, पौधे भी लगाती रहूँगी, पौधे भी ग्रो होंगे और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। आई बिलीव इन गॉड कि मेरा चैनल 1000 से 1 लाख तक जाएगा और ज़रूर जाएगा, चाहे उसमें कितना भी समय लग जाए। तो आपको मैं एक बात यही कहूँगी जो कि मैंने अपने गार्डन से सीखा है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो, बस थोड़ा पेशेंस रखो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है और वो सब आपको ज़रूर मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। यदि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी काम को करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं आपके ये कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन होता है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एक साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन वो हो गया है। लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम जो कंप्लीट करना होता है वो अभी बाकी है। बट जैसे एक सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिस तरह मैं पौधे ग्रो करती हूँ उसमें समय लगता है, उसी तरह से हर काम में समय लगता है, इट्स ओके। बट आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। बस आपके जो लाइक्स होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ, ना तो ये मैं कोई ज़बरदस्ती करती हूँ, ना ये मेरा कोई बिजनेस है, ये सिर्फ मेरा एक शौक़ है। वीडियोस बनाना मेरा शौक़ है और गार्डनिंग करना भी मेरा एक शौक़ है। और जब हम अपने शौक़ पर काम करते हैं तो हमें उसमें खुशी ही खुशी मिलती है, चाहे उस वो काम हमारा थोड़ा सा डाउन हो रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये अच्छा ही होता है, कभी कभी ये बिगड़ते भी हैं, बट मज़ा आता है। और वीडियोस पर जब लाइक आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो वीडियो ज़्यादा आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और गार्डनिंग की टिप्स को भी आप फॉलो करिएगा। गार्डनिंग में मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर आजमा लेती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने गार्डनिंग में देखा है कि खाने वाला सोडा यदि हम अपनी पत्तियों पर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, लेकिन यही काम मैंने किया था तो हो सकता है मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई हो, तो मेरी पत्तियां, पूरा पौधा ख़राब हो गया था, सूख गया था। मैंने अपनी वीडियोस में कभी भी नहीं बताया कि खाने का सोडा आपको यूज़ करना है। बट काफ़ी लोग ये बताते हैं कि मिट्टी में यदि खाने का सोडा मिलाते हैं, स्पेशली गुड़हल के पौधे पर, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसको मैं ट्राई करूँगी, अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। और यही मैं आज तक अपनी वीडियोज़ में करती आई हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ शेयर की है जिसमें मैंने बेनिफिट्स देखे हैं। हो सक कहने को तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि लोगों की वीडियोज़ देखूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ, जबकि ऐसा नहीं करती हूँ। जो चीज़ें ठीक होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो काम मैं करती हूँ वही करती हूँ। गार्डनिंग में मैं ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करती कि पैसे खर्च किए और गार्डनिंग कर दी। कोशिश करती हूँ कि कम से कम बजट में गार्डनिंग कर लूँ। पॉट्स भी बनाती हूँ, मिट्टी भी बनाती हूँ, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने एक दो चीज़ें ही खरीदी हैं, जैसे कि पॉट स्टैंड और कुछ हैंगिंग पॉट्स खरीदे हैं, बाकी मैं सब ऐसे ही मैनेज करती हूँ। यदि मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती गार्डनिंग पर तो मेरा गार्डन इस वक्त बहुत भरा हुआ होता और मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर भी बहुत सारे हो गए होते। और यही वजह है कि मेरे ना तो सब्सक्राइबर हैं अभी और ना ही मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं। तो मैं कटिंग लगाती हूँ, बीज लगाती हूँ, थोड़े बहुत पौधे ले आती हूँ और उसी से मैं गार्डनिंग करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने 5 से 50 पौधे बना लिए हैं, लेकिन दूर दूर रखे होते हैं तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगता है। अब गार्डनिंग मैं सिर्फ छत पर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि छत पर मेरे पौधे ज़्यादा अच्छे से चल पाते हैं, बालकनी में इतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं। अब मैं एक ही जगह पर गार्डनिंग करूँगी और वहाँ पर दिखाऊँगी आपको अपने सारे पौधे। तो अब हमारा कुछ समय ठंड का ख़त्म होने वाला है, डोरमेंट टाइम, इसके बाद अब गार्डनिंग शुरू होगी फिर से फरवरी में। कुछ समय तो ये डोरमेंट टाइम की वजह से हमारी गार्डनिंग रुक जाती है, अदरवाइज़ बहुत सारे पौधे हो गए होते हमारे।
तो कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं सीजनल की वजह से, तो इस वजह से भी हर सीज़न में नई गार्डनिंग शुरू करनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा एक नीम के पत्तों का पानी स्प्रे मैंने बनाया था कीड़ों के लिए, वो बहुत अच्छा काम किया इस पौधे पर। ये है विंटर का पौधा जिसको जिस पर मैंने वीडियो 2-3 दिन पहले डाली थी, उस पर ब्लैक कलर के बहुत सारे कीड़े लग गए थे और वो सारे कीड़े कुछ मैंने कपड़े की मदद से भी हटाए थे जो कि अभी आपने देखा है। और ये स्प्रे मैं दूसरी बार आज कर रही हूँ और इस पर मैंने अब बहुत कम कीड़े देखे हैं, सारे कीड़े साफ़ हो चुके हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। धूप भी निकल आई थी 2 दिन तो पत्तियाँ भी सूख गई हैं और पौधा बहुत ही साफ़ लग रहा है। कलियाँ मैंने हटा दी हैं जिससे कि पौधे में ग्रोथ अच्छी हो जाए। आगे की वीडियोज़ मेरे डेली वर्क पे होंगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो।